फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल क्यों चुनना चाहिए। तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। तो बहुत मुझे पता है कि आप सबके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर मैं उन क्वेश्चंस के पास में अभी देखते बैठूंगा तो हम लोग जो है वो ठीक से इस लेक्चर को ले नहीं पाएंगे। तो आई एम थिंकिंग कि अभी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए कमेंटिंग ऑफ करता हूँ, उसके बाद में जब मेरा आप लोगों को बता के हो जाएगा कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंस क्यों लेना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, जब ये मेरा बता के हो जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग कमेंटिंग ऑन करेंगे। ओके, सो आई एम स्विचिंग ऑफ कमेंटिंग नाउ, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग कोई भी ऑप्शनल क्यों लेते हैं? आपको पता है कि ऑलमोस्ट 500 मार्क्स जो है आपके, जो 1750 है उसमें से आपके पूरे 500 मार्क्स ऑप्शनल को डेडिकेटेड है, विच इज अ बिग डील। तो इसके लिए फिर राइट ऑप्शनल चूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक राइट काइंड ऑफ ऑप्शनल हो और उससे आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए। तो इसके लिए एक सही ऑप्शनल चूज करना बहुत जरूरी है। तो इन जनरल पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑप्शनल सिलेक्ट करते टाइम आपके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो जब भी आप कोई एक नया ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो उसमें आप लोग सबसे पहले देखिए कि आप जो है उस ऑप्शनल के साथ में कंफर्टेबल है क्या। उसके बाद में सेकेंड चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है कि उस ऑप्शनल का मटेरियल अवेलेबल है क्या। तीसरी चीज जो आपने देखनी चाहिए वो है कि उस ऑप्शनल का गाइडेंस अवेलेबल है क्या। तो सबसे पहले ये तीन चीजें देखिए, सबसे पहले आपकी लाइकिंग क्या है, दूसरी मैंने आपको बताया कि उसका मटेरियल अवेलेबल है क्या, एंड तीसरा इन अगर आप लोग गाइडेंस लेके उसको करना चाहते हैं तो तीसरा उसका गाइडेंस अवेलेबल है क्या। ये तीन क्राइटेरियाज आपके ऑप्शनल के लिए होने चाहिए। चौथा एक और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि उस ऑप्शनल का ओवरलैपिंग कितना है आपके जीएस के सिलेबस के साथ में। ये चार क्राइटेरियाज अगर आप लोग लेके अपना ऑप्शनल डिसाइड करें तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो बेनिफिट होगा उसका। तो मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ कि ये चार क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप लोग डिसाइड कीजिए। अब बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे देखते हैं कि यू नो कोई ऑप्शनल परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, बिकॉज यू नो कुछ लोगों को ऐसा बोलना है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस जो वो एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, या फिर सोशियोलॉजी जो है उसमें कवर मार्क्स मिल रहे हैं, ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, लिटरेचर के ऑप्शनल में जो है वो अगेन और कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है। तो बहुत ये लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं, बट मेरा ये बोलना है कि आप लोग और कोई क्राइटेरिया डिसाइड मत कीजिए, ये चार चीजों के बेसिस पर ही क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए। अब इसमें भी जब आप लोग देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग एक बार थोड़ा सा उसके सिलेबस के थ्रू और उसके क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू जाइए तो आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा ऑप्शनल के बारे में। ओके, तो बेसिक ये चार पांच गाइडलाइंस है जिससे आप लोग डिसाइड करते हैं कि ऑप्शनल कौन सा होना चाहिए। तो जैसा दोस्तों बोला जाता है ना कि ऑप्शनल राइट काइंड ऑफ ऑप्शनल चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट्स लाइक अ यू नो लाइफ पार्टनर, बिकॉज अगर आपने एक बार उस ऑप्शनल को चूज कर दिया है तो आपको एटलीस्ट एक साल तो भी उसके साथ में रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपनी लाइकिंग का भी ध्यान रखिए। तो इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप लोग जो है ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं। अब मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था जब मैंने अपनी यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए थे, और उसमें मेरा स्कोर भी जो है वो हर बार हाई ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2016 के अटेम्प्ट में मुझे 276 मार्क्स थे, उसके बाद में इस बार जो 2018 का जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो है 296। ओके, तो ये मेरे ऑप्शनल के मार्क्स का ब्रेकअप है, जिसमें पेपर वन में अगर आप देखें तो 147 मार्क्स थे, पेपर टू में अगर देखें तो 149 मार्क्स थे। तो मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था और उसमें मुझे 296 मार्क्स थे। अब मैं आता हूं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल चूज करने के बेनिफिट्स क्या है, क्यों आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को चूज करना चाहिए। तो मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया कि ऑप्शनल जो है वो चूज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एटलीस्ट आपको एक साल तो उसके साथ में गुजारना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा साल जो है वो गुजारने पड़े। ओके, तो दूसरा पार्ट कि पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज करें, तो मैंने जो आपको चार पैरामीटर्स जो इनिशियल पार्ट ऑफ आवर सेशन जो मैंने बताया था कि सबसे पहला कि वेदर लाइकिंग है क्या, तो आप लोग प्लीज देखिए कि आपको थोड़ा सा भी टेंडेंसी है क्या कि यू नो आपको थोड़ा पॉलिटिक्स में या फिर जो भी सोशल इश्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इन सब में इंटरेस्ट है क्या। तो अगर ये सब है आपका तो आप लोग पक्का से चूज कीजिए। दूसरी बात, उसका गाइडेंस अवेलेबल है क्या, उसका मटेरियल अवेलेबल है क्या। तो पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत अच्छा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। ओके,
बहुत टाइम मतलब पॉलिटिकल साइंस को एक एवरग्रीन सब्जेक्ट बोला जाता है बिकॉज हर बार जो है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो लोगों को मिलते रहे हैं। इवन 325 वगैरह स्कोर आया हुआ है, लोगों ने 320 वगैरह स्कोर किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एवरग्रीन सब्जेक्ट है, इसका गाइडेंस अवेलेबल है। अगर आप लोग पुणे में है तो HV देसाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर जो कि है वहां से मिलेगा। इवन UPSC गाइड पे हम लोग जो है वो जल्दी ही जो आने वाली जो बैच है उसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल जो है वो रिलीज करने वाले हैं, तो आप लोगों को इसका गाइडेंस जो है वो मिल जाएगा। दूसरी बात, इसका मटेरियल है क्या, तो अगेन इसके बहुत अच्छे सॉलिड नोट्स अवेलेबल है। पॉलिटिकल साइंस की जब बात आती है तो एक नाम काफी फेमस है, वो है शुभ्रा मैम का, तो इवन उनके नोट्स जो है वो काफी सफिशियंट होते, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो सेकंड जो चीज है, उसका मटेरियल अवेलेबल है क्या, तो आंसर इज यस, उसका मटेरियल अवेलेबल है, उसका गाइडेंस अवेलेबल है। फिर तीसरी चीज पे हम लोग आते हैं कि उसके क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख लीजिए, और चौथी चीज जो है वो है कि इसका GS के साथ में कितना ओवरलैप है। तो फ्रेंड्स, आई कैन श्योरली टेल यू दिस, ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर GS सिलेबस ओवरलैप्स विद योर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। ओके, अगर आप लोग GS का सिलेबस देखें तो GS के सिलेबस में क्या है, आपके पास में चार पेपर है, GS 1, 2, 3, 4। ओके, GS 1 का आपका जो कुछ ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने का पार्ट पॉलिटिकल साइंस से मैच होता है। GS 2 में, और अगेन इवन GS 1 में भी जो कुछ पार्ट जो ऐसा है वो हिस्ट्री के साथ में आपका मैच करता है, जो एनी हाउ आपको मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो वहां से मैच होते ही रहता है। फिर आपका थोड़ा बहुत सोशल इश्यूज जैसे कि कम्युनलिज्म हो गए, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गए, तो ये वाली चीजें जो है वो GS 1 के साथ में मैच करती है। GS 2 की अगर आप बात करें तो GS 2 में आपके तीन कॉम्पोनेंट्स है। GS 2 में आपके सबसे पहले आता है पॉलिटी, दूसरा कंपोनेंट आपका आता है गवर्नेंस, तीसरा कंपोनेंट आता है आप लोगों के लिए वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस तो उसके नाम में ही है, तो GS 2 जो है वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस के साथ में ओवरलैप होता है। GS 3 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमी हो गया आपका, जो वर्ल्ड रिलेटेड जैसे कि WTO हो गया आपका, या यू नो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके साथ में अगेन मल्टीलैटरल ट्रेड वगैरह हो गए, तो ये सब भी अगेन आपका GS 3 के साथ में कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। प्लस थोड़ा बहुत इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें भी आपकी मैच करती है पॉलिटिकल साइंस के साथ में। GS 4 की अगर बात करें तो आपको बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे कि जॉन लॉक आपको पढ़ना पड़ता है, आपको प्लेटो पढ़ना पड़ता है, आपको एरिस्टोटल पढ़ना पड़ता है, उसकी फिलोसफी जो है वो GS 4 में आती है। तो ये सब कुछ जो है वो पॉलिटिकल साइंस में आता है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो उसमें क्या है, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अगेन किसी भी पेपर को, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका पेपर 1, दूसरा होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 में है पार्ट A, पार्ट B। सिमिलरली पेपर 2 में होता है आपका पार्ट A और पार्ट B। तो पेपर 1 के पार्ट A में क्या है आपके, तो पेपर 1 के पार्ट A में पॉलिटिकल साइंस के अगर आप लोग ठीक से देखें और अगर उसका सिलेबस देखें तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले जो है वो आपके अलग अलग थियरीज हैं। ओके, मतलब पॉलिटिकल थियरीज है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में है। फिर इसके बाद में जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब आपके सिलेबस में आता है। उसके बाद में आपके दो टाइप के थिंकर्स आते हैं, एक होते हैं आपके वेस्टर्न थिंकर्स और दूसरे हैं आपके इंडियन थिंकर्स। तो वेस्टर्न थिंकर्स में कौन है, वेस्टर्न थिंकर्स में आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, यही सारे के सारे थिंकर्स है, जॉन लॉक हो गया या फिर अगेन जॉन रॉल्स हो गया। तो ये आप लोगों के मेजर थिंकर्स जो पूरे पूरे आपको GS 4 में रिक्वायर्ड है। तो ये सारे के सारे थिंकर्स एनी हाउ आपको GS 4 में पढ़ने हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल चूज करने का फायदा ये है कि आपका ये वाला काम जो है पूरा पूरा बच जाता है। दूसरा, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी है आपको, जिसमें इनफैक्ट आपको इंडियन ट्रेडिशंस भी पढ़नी है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस क्या थी, हिंदू ट्रेडिशन क्या थी, उसके अलावा अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो भी आपको इसमें सीखना पड़ता है। देन आपके महात्मा गांधी आपको इन डिटेल पढ़ने पड़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिनकी आज जयंती है 14 अप्रैल को, अगेन उनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है आपको। फिर उसके अलावा आपके अरविंदो घोष हो गए, ये MN रॉय हो गए, तो ये आपके कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है जो अगेन आपको डिटेल में पढ़ने हैं। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है आपको इवन UPSC के प्रीलिम्स में होता है। ओके फ्रेंड्स, सो इसके लिए आप लोगों को ये पेपर 1 अब हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं पेपर 1 के पार्ट B पे। तो पार्ट B में क्या है, पार्ट B में आपका अगेन गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है, आपके पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज है, कुछ आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए इश्यूज है, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया या फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो ये सब जो चीजें हैं वो अगेन आपकी पूरी की पूरी मैच करती है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है, कास्ट सिस्टम हो गया, तो फेडरल सिस्टम हो गया, तो ये अगेन आपको एनी हाउ GS 2 में पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अब हम लोग आते हैं
पॉलिटिकल साइंस के पेपर टू पे। तो पेपर टू में अगेन पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। तो पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मतलब क्या कि आपको कंपेयर करना है, कंपेयर किस चीजों को करना है, कंपेयर करना है आपको सबसे पहले तो वेस्टर्न थिंकर्स को एंड सॉरी वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम को, एंड उसके बाद में आपका जो डेवलपिंग जो नेशंस है तो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशंस का आप लोग कंपेयर करते हो कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम कैसा है, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम कैसा है, वहां पे डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है, यहां पे डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो बेसिकली आपका मतलब कंपेरेटिव मैनर में आप लोग जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद में आप लोग जो है अगेन पेपर टू के पार्ट ए में जो सेकंड सेक्शन जो आपका आता है उसमें आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की अलग अलग स्ट्रैटेजीज एंड थियरीज पढ़नी है, जैसे कि यू नो पॉलिटिकल रियलिज्म की रियलिस्टिक कैसे रहे इंटरनेशनल डोमेन में। फिर उसके बाद में एनआरकी के बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो कोई भी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है तो फिर कोई भी नियमों का जो है वो पालन नहीं कर रहा है, तो अगेन उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, तो ये आपका एक और इश्यू जो है उसमें डील किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर आप लोग और देखिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर टू के पार्ट ए में और क्या है, तो आपके अलग अलग थियरी जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट हो गया आपका, आपके सिक्योरिटी की डेफिनेशंस वगैरह क्या होती, तो ये सब जो है वो आपके पेपर टू के पार्ट ए में आएगा। पेपर टू के पार्ट बी में अगर देखें तो क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड का पूरा रिलेशन, इसमें से पांच मेजर जो आपके पावर्स हैं उनके साथ में रिलेशंस कैसे हैं, पांच मेजर पावर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है आपका यूएसए, इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस कैसे हैं। सेकंड आपका इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस कैसे हैं। थर्ड आपका इंडिया एंड जापान के साथ में रिलेशन कैसे हैं। फोर्थ आपका इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के साथ में रिलेशन कैसे हैं। उसके बाद में इंडिया एंड अफ्रीका के साथ में रिलेशन कैसे हैं। इंडिया एंड सार्क कंट्रीज जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में रिलेशन कैसे हैं, इसमें आप लोग अलग अलग डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं। तो ये सब जो है इसमें बेसिकली ये आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। तो अब अगर आप लोग जीएस के साथ में कंपेयर करें इसको तो नो डाउट ओके ऑलमोस्ट 60% जो है आपका सिलेबस इसके साथ में मैच होता है, तो आपके एफर्ट जो है वो काफी बच जाते हैं अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल चूज करते हैं। तो आप लोगों को जब अभी आप लोगों में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेंस दी है, जिन लोगों ने मेंस दी है उन लोगों को समझ में आएगा। उन लोगों से आप लोग पूछिएगा कि एट द एंड मोमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की यही होती है कि रिविजन कैसे करें, फटाफट रिविजन कैसे करें। तो अगर जीएस और आपके ऑप्शनल का सिलेबस आपका सारा का सारा मैच हो रहा है तो आपको बहुत कम एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा तरीके से आप लोग अच्छे से तरीके से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो मेजर बेनिफिट होता है अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल जो है वो चूज करते हैं। बाकी कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो काफी बड़ा सब्जेक्ट है और जल्दी कवर नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दोस्तों ये बताऊंगा कि हार्डली 1200 से 1300 पेज है आपके A4 साइज के पेजेस, ओके इतना तो हर एक ऑप्शन में है। अगर आप लोग ये इतने पेजेस भी अच्छे से पढ़ लें, इनके शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग बना लें, डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि 300 मार्क्स फ्रेंड्स कहीं नहीं गए, ओके 300 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में लेके आना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। आप लोग अगर स्ट्रैटेजिकली और खास करके अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ऑलरेडी यूपीएससी गाइड चैनल ने आप लोगों के साथ में मेरा आई अरविंद पुरोहित ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो शेयर किया हुआ है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं भी यूपीएससी गाइड पे टाइम टू टाइम आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी। तो